गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले अम्ल क्या है। ठीक, अम्ल क्या है? अम्ल क्या होता है? इसको अम्ल क्या होती है? स्वाद में खट्टा होता है। ठीक, स्वाद में खट्टा होता है। ये जो अम्ल होती है, ये दो तरह से पाई जाती है, एक प्राकृतिक रूप में और दूसरी क्या होती है, खनिज के रूप में। तो प्राकृतिक रूप में किस तरह से, जैसे कि हमने जी इमली हो गया, इमली में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब हो गया तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से प्रकृति में वो अम्ल किसी न किसी रूप में क्या रहती है, विद्यमान रहती है। उसी तरह से क्या हमने जी अम्ल एक और रूप से खनिज के रूप में पाया जाता है। अब देखिए, खनिज के रूप में कौन कौन से पाए जाएंगे? तो सबसे पहला होता है HCl के रूप में, दूसरा होता है H2SO4 के रूप में। इस तरह से क्या बोलना चाहिए, खनिज रूप में पाई जाती है। ये अम्ल क्या होती है, स्वाद में खट्टा तो होता है, लेकिन इसका परीक्षण के लिए कि हम जान कैसे पाएंगे कि ये अम्ल है, उसके लिए क्या किया जाता है, लिटमस पेपर लिया जाता है, नीला लिटमस पेपर लिया जाता है। और जो नीला लिटमस पेपर है, उसमें अगर टेस्ट करें तो वो क्या हो जाती है, लाल हो जाता है, जिससे पता चलता है कि अम्ल क्या है, उसमें उपस्थित है। फिर आता है क्षार। क्षार, क्षार मीन्स होते हैं जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। मतलब जब उसको टेस्ट करके देखोगे तो एकदम कसीलापन, कड़वापन अगर उसमें दिखा, अगर उसमें आए तो उसको क्या कहा जाता है, क्षार की उपस्थिति बताई जाती है। देखिए, क्षार, क्षार मीन्स क्या होना चाहिए, किसमें किसमें हमारे दैनिक जीवन पे रहता है। जैसे अपन धोने का जो सोडा होता है, वो क्या है, एक प्रकार से क्षार है, जो क्या करता है, मैल को क्या करने का कार्य करता है, साफ करने का कार्य करता है। अब इसके क्षार के परीक्षण के लिए क्या किया जाता है, लिटमस पेपर लिया जाता है। और ये जो लिटमस पेपर है, इसमें कौन सा लिटमस पेपर लिया जाता है, लाल लिटमस पेपर लिया जाता है। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, वो नीला कर देता है, जिससे पता चलता है कि उसमें क्या है, क्षार उपस्थित है। फिर आता है ये अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षार में किस तरह से रासायनिक गुण पाई जाती है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है अम्ल और क्षार। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये धातु के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ, सबसे पहले अम्ल किसके साथ क्रिया करेगा, धातु के साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ पर अम्ल प्लस धातु क्या बनाएगा, लवण प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाएगा। तो जैसे अम्ल के रूप में क्या ले लिए, HCl ले लिए, धातु के रूप में क्या ले लिए, जिंक ले लिए। जब दोनों आपस में क्रिया करेगा, तब यहाँ पे ZnCl2 बनाएगा, मतलब जिंक क्लोराइड जो क्या है, लवण है, और वहां पे क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो अम्ल के साथ या फिर ये बोल सकते हैं, अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है, तब लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस क्या करती है, मुक्त करती है। फिर आता है अब क्षार के साथ। अब देखिए, क्षार के साथ भी क्या करेगा, धातु क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, क्षार भी क्या करेगा, धातु के साथ क्रिया करेगा और लवण और हाइड्रोजन बनाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से और कंटिन्यू करेंगे।